नमस्कार। मैं आज आप सबको इमोशन की दूसरी थ्योरी कैनन बार्ड थ्योरी के विषय में बात करने आई हूँ। हाइपोथैलमस की ये प्रसिद्ध थ्योरी, जिसे हाइपोथैलमिक थ्योरी, थैलमिक थ्योरी भी कहा जाता है, संवेग के संबंध में इस तरह के ये दूसरा सिद्धांत था, जो कि जेम्स लैंगिक सिद्धांत के जस्ट विपरीत विकसित किया गया। वास्तव में कैनन और बार्ड दो अलग अलग व्यक्ति थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैनन ने किया था और बाद में बार्ड ने इस सिद्धांत को और भी ज्यादा प्रचलित किया। तो इस सिद्धांत को हम संयुक्त रूप से कैनन बार्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। वास्तव में इस सिद्धांत में हाइपोथैलमस को मस्तिष्क के हाइपोथैलमस पे काफी ज्यादा बल दिया गया है, इस कारण इसको हम हाइपोथैलमिक थ्योरी भी कहते हैं या थैलमिक थ्योरी भी कहते हैं। संवेग के संबंध में यह सिद्धांत बेसिकली फिजियोलॉजिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का कहना यह है कि व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक व्यवहार और संवेगात्मक अनुभूति दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। अर्थात व्यक्ति में जब कोई व्यक्ति के सामने जब कोई उद्दीपक आता है, तो व्यक्ति उस उद्दीपक का जब प्रत्यक्षण करता है, तो उसके तो उसे संवेगात्मक अनुभूति भी होती है, और साथ ही साथ उसी अनुभूति के साथ साथ वो व्यवहार भी करता है। यानी यह जो सिद्धांत है, जस्ट जेम्स लॉज सिद्धांत के विरोध में प्रस्तुत किया गया। जेम्स लॉज का कहना था कि व्यक्ति के अंदर पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। परंतु कैनन बार्ड जो दो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर यह प्रूफ किया कि दोनों जो चीजें होती हैं, चाहे वह संवेगात्मक अनुभूति हो चाहे संवेगात्मक व्यवहार हो, दोनों एक साथ उत्पन्न होता है। कैनन बार्ड ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए किसी भी संवेगात्मक परिस्थिति के लिए उन्होंने बताया कि संवेग कैसे व्यक्ति में उत्पन्न होता है। इसके लिए उन्होंने थ्री स्टेप्स बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में रहता है, तो किसी भी वस्तु का वह प्रत्यक्षण करता है। दूसरा उन्होंने स्टेप बताया कि वस्तु के प्रत्यक्षण करने के बाद से इसकी जो सूचना होती है, हाइपोथैलमस और थैलमस से होते हुए सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे पहुंचती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, उसी समय दो आदेश जारी करता है। एक वो ऑर्गन को जारी करता है कि पर्टिकुलर स्टिमुलस आया है तो ऑर्गन्स को उसके लिए तैयार रहना और उसके लिए रिस्पॉन्स करना है, और साथ ही साथ वो ब्रेन जो है वो पर्टिकुलर इमोशन को फील करता है, यानी एक्सपीरियंस करता है। इससे एग्जाम्पल आप सामने वाले साइड से पता कर सकते हैं कि एक आउटकमिंग कार है, ठीक है, यानी एक ड्राइवर है जो कार चला रहा है, उसके सामने एक कार आ रही है, ठीक है। कार आने के बाद से वो, अगर मान लीजिए रास्ते पे अकेले चल रहा है, तो वो आराम से बहुत तेज स्पीड में कार आगे लेके चलता है। लेकिन अचानक जब उसके सामने दूसरी कार आ जाती है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर अराउजल होता है, और साथ ही साथ उसको फियर का इमोशन भी होता है, बिकॉज वो रास्ते पे अकेले चल रहा है, बेधड़क वो चल रहा है, उसकी स्पीड बहुत हाई है। लेकिन किसी गली से वो सामने अचानक आपके सामने दूसरी कार आ जाती है, तो उसे क्या होगा, उसके हृदय की गति बढ़ जाएगी, उसमें अराउजल का लेवल बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ उसे फियर का इमोशन होगा। फियर का इमोशन यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि उसको चांसेस लगेगी कि हमारे कार की स्पीड बहुत ज्यादा और सामने से एक कार आ रही है, तो वो टकरा भी सकती है। अब और इसके सामने हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो अपने घर में साइकिल चला रहा है। साइकिल चलाते चलाते वो किसी बिल्ली को देखा। अब बिल्ली को देखा तो उसे सबसे पहले डर लगेगा या वो भाग जाएगा। तो इस संबंध में कैनन बार्ड का कहना है कि ये दोनों कंडीशन उसके साथ एक सेम टाइम पे घटित होगी, यानी कि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी करेगा फियर का, और साथ ही साथ बॉडीली रिस्पॉन्स भी होगा कि वो भाग जाएगा, यानी कि वो भागेगा भी और डरेगा, ठीक है। यानी कि बिल्ली को देख के वो डर जाएगा और वो भाग जाएगा, यानी कि दोनों चीजें एक साथ होती है। इस थ्योरी को हाइपोथैलमिक थ्योरी कहने इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, उसी मस्तिष्क के द्वारा सभी तरह के इमोशन की फीलिंग होती है, और किसी भी इमोशन में हाइपोथैलमस का
मुख्य रोल होता है। अगर हम हाइपोथैलमस को काट के निकाल दें तो व्यक्ति में किसी भी तरह का इमोशन नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसी महत्व के कारण इस थ्योरी को हाइपोथैलमिक थ्योरी कहा गया। इस थ्योरी भी ये थ्योरी भी दोष मुक्त नहीं है। कई आधारों पे इस थ्योरी की आलोचना की गई। जैसे ये बताया गया कि केवल और केवल हाइपोथैलमस ही संवेगात्मक व्यवहार और संवेगात्मक अनुभूति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ब्रेन की जो दूसरे पार्ट है जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गए, सेरेब्रम हो गया, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें मिसिंग हो जाती किसी थ्योरी में। जैसे कोई भी उद्दीपक आया तो व्यक्ति सीधे उसका संवेग की अनुभूति नहीं करता, बल्कि उसके बीच में कुछ कॉग्निशन का भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, जो कि इस कॉग्निशन के पार्ट को इस थ्योरी में मिस कर दिया गया है। तो इस थ्योरी की आलोचना इस आधार पे किया गया। तो इसके बाद से एक और थ्योरी डेवलप हुई जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। चूंकि कैनन बार्ट की थ्योरी यहीं तक थी, तो हम लोग दूसरे पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम सेक्सटर एंड सिंगर के टू फैक्टर थ्योरी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।